अध्याय दो, भारत और भौतिक स्वरूप। भूगोल, समकालीन भारत, कसानो। याद रखने की बातें। प्लेट वितरण का सिद्धांत, एक सिद्धांत जो भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश करता है। प्लेट विनीत के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी पट्टी सात बड़ी एक कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। हिमालय को नवीन वकृत पर्वत कहा जाता है। हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है तथा चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। देशांतर विस्तार के अनुसार हिमालय को तीन श्रेणियों में बांटा जाता है। हिमिंद्री हिमालय, शिवालिंग, अरुणाचल फटकर नया मिजो तथा मणिपुर की पहाड़ी से मिलकर बनता है। अन्नाई मुद्दी पश्चिम खाड की सबसे ऊंची शिखर है जिसकी लंबाई 2695 मीटर है, जबकि महेंद्रगिरी पूर्वी घाटी का सबसे ऊंचा शिखर है जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार का वह क्षेत्र जहां काली मृदा पाई जाती है वह दक्कन टैप कहलाता है। भूगोल, समकालीन भारत। लक्षद्वीप का नाम 1973 में पड़ा, इससे पहले इसको लक्षद्वीप, मणिकाय और एमिद्वीप कहा जाता था। दोवा का अर्थ है दो नदी के बीच की भूमि। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो उड़ीसा में स्थित है। नदी के सागर में मिलने से पहले उसके प्रवाह में हल्का सा अवरोध आने पर मरने का निपेक्षण होने लगता है। इसे अवसाद जमा होकर एक त्रिभुजाकार रूप ले लेता है जिसे डाल्टा कहते हैं। हिमाचल में पाए जाने वाले प्रमुख दर करमोरम दर, रोहतक दर, भुजिल दर, जोजिला दर, पीरपाजल, शिवलिंगा दर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट। दोस्तों, वीडियो को अच्छे तो लाइक से जरूर कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।